हे गाइस एंड स्वागत है तुम सभी का पोकेमोन की ब्रांड न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में मैं ऐसे पोकेमोन फैक्ट्स के बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ जो तुम्हें सही में नहीं पता होंगे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मैं आज लाइक सब्सक्राइब के लिए भी नहीं बोलूँगा। अगर तुम्हें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को नहीं हो तो सब्सक्राइब करोगे। और अब मैं इसमें कुछ नहीं बोलना, सिर्फ मैं इतना सब बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को पूरी एंड तक देखना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है कि ये जो वीडल पोकेमोन है ये नॉर्मल टाइप अटैक्स नहीं सीख सकता है। जी हाँ, सिर्फ पोकेमोन वर्ल्ड में, पूरे पोकेमोन वर्ल्ड में सिर्फ यही ऐसा पोकेमोन है जो नॉर्मल टाइप मूव्स नहीं सीखता। नीचे कमेंट्स में बताना इफेक्ट कैसा लगा। फैक्ट नंबर टू, ये थोड़ा सा हॉरर सा या फिर थोड़ा सा अटपटा फैक्ट है क्योंकि ये जो पैसिफिक लॉक टाउन है ये कॉर्सोला के ऊपर बना हुआ है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है एनएमए में कि ये पूरा टाउन कॉर्सोला के ऊपर बना हुआ है। अब यार ये कितना सच है ये तो नहीं पता, पर हाँ ये एक फैक्ट है। कहा था ना ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको पता नहीं होंगे। फैक्ट नंबर थ्री, आपको क्या लगता है कि ये सेप्टाइल पोकेमोन किस पोकेमोन पर बेस्ड है, यानी कि किस एनिमल पर बेस्ड है? अब आप सब बोलोगे कि ऑफ कोर्स ये तो लिजार्ड पे बेस्ड है, लेकिन नहीं, ये जो पोकेमोन है ये डायनासोर पे बेस्ड है। जी हाँ, तभी तो ये मेगा इवॉल्व होने के बाद ये ग्रास एंड ड्रैगन टाइप का पोकेमोन बन जाता है, और वैसे भी ये थोड़ा थोड़ा ड्रैगन टाइप का ही लगता है। तो या ये भी एक बहुत ही अच्छा फैक्ट था। फैक्ट नंबर फोर, आपका क्या रिएक्शन होगा अगर मैं बोलूं कि ये जो लिकिटंग पोकेमोन है ये रोल आउट मूव लर्न कर सकती है? जी हाँ, ये टीएम से सीख सकती है इस मूव को। वैसे इसके लिए पॉसिबल तो नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे। अगर आपको फैक्ट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ यार एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके देख लेना, अगर नहीं आता है पसंद तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। फैक्ट नंबर फाइव, ये जो स्पीरो पोकेमोन है ये सही में इसको कुछ नहीं दिखता ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा, ये मार्क ज़करबर्ग के जैसा ही है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़। नंबर सिक्स, ये फैक्ट आपको काफी शॉकिंग लगने वाला है, इसको पूरा ढंग से सुनना। ये जो ड्रैगन एरा पोकेमोन देख रहे हो इसका जो प्री इवोल्यूशन है यानी कि ड्रेटिनी, इसको लेवल 30 से कम में इवॉल्व होने नहीं देता, लेकिन फिर भी आप जनरेशन 2 यानी कि गोल्ड सिल्वर वर्जन में आप इसको लेवल 10 पे ही पकड़ सकते हो। ये फैक्ट मेरे को तो काफ़ी शॉकिंग लगा, नीचे कमेंट करके आप बताना आपको कैसा लगा। तो चलिए नेक्स्ट। क्या आप लोगों को पता है कि ये जो फर्रेट पोकेमोन है ये 4000 से भी लंबा है? जी हाँ, फर्रेट की हाइट है 5'11" और चारिज़ार्ड की हाइट है 5'7". आप इस इमेज में आसानी से देख सकते हो कि यार मतलब सही में मतलब कुछ भी। नंबर एट, क्या आप जानते हो कि ये जो गॉड पोकेमोन मैजिकार्प है और इसके जो गॉड लेवल के अटैक्स हैं स्प्लैश, ये इसको 29,000 फीट तक यानी कि एक माउंटेन की ऊंचाई तक इसको छलांग लगा सकते हैं। मतलब सल्यूट है यार इस गॉड पोकेमोन को। फैक्ट नंबर नाइन, आप अगर देखें इस चार्मेंडर को तो आपको क्या लगता है किस एनिमल पे बेस्ड होगा? आप ऑफ कोर्स बोलोगे कि ये तो यार लिजार्ड पोकेमोन पे बेस्ड है, मतलब एनिमल पे बेस्ड है। इवन इसकी पोकेडेक्स एंट्री भी कहती है कि ये एक लिजार्ड पोकेमोन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पोकेमोन सेलेमेंडर पे बेस्ड है। जी हाँ, आप कहीं भी जाके देख लो, ये पोकेमोन सेलेमेंडर पे बेस्ड है। अब फैक्ट नंबर 10 में आपको एक ऐसा तगड़ा फैक्ट बताने वाला हूँ, वो ये है कि जब आपने मैजिक आपका मूव स्प्लैश देखा तब आपने सोचा होगा कि यार ये तो वाटर टाइप मूव है, लेकिन नहीं, ये स्प्लैश मूव एक नॉर्मल टाइप मूव है। अब ये तो सही में एक शॉकिंग फैक्ट था, इसी बात पे लाइक तो बनता है यार। तो बस यार आपको पूछता है यार, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक करके चल जाना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, एक बार मेरा चैनल जाके चेकआउट कर देना। अगर पसंद नहीं आता है तो मत करना पसंद है, प्लीज एक बार जाके चैनल को देखो तो सही, विजिट तो करो, पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और
ये वाली मूवी देखी, हमको पहले और मैंने भूल जाता।